हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, जब हम बात करेंगे अदानी विलमार लिमिटेड कंपनी के बारे में, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी के टारगेट्स एंड बेसिकली हम इस वीडियो में हम बात करने वाले कंपनी के प्रोफाइल एंड बाकी चीज़ों की बात भी करेंगे। साथ में लोगों को ये डाउट रहेगा कि फिलहाल अभी इस स्टॉक को होल्डिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, बिकॉज कंपनी का जो शेयर है लगातार गिरते जा रहा है। एंड यहाँ पर हम कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल, डेट ऑफ पे कंपनीज एंड क्वार्टरली रिजल्ट, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग्स पैटर्न, एंड में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न, मीन शॉर्ट टर्म का कितना क्या टारगेट रहेगा ये आपको मैं एंड में बताऊंगी। फिलहाल यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम अदानी विलमार लिमिटेड कंपनी की बात कर लेते हैं। आई नो सबको पता है अदानी कंपनी कैसी है क्या है, बट फिर भी जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो अदानी विलमार कंपनी है, अदानी ग्रुप की ही कंपनी है ये, एंड कंपनी जो इनकॉर्पोरेट की गई थी 22 जनवरी को, यहाँ पर कंपनी क्या इनकॉर्पोरेट की गई थी 1999 में। बेसिकली कंपनी देखा तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है ये, एंड इट रजिस्टर्ड विद द ROIC, अहमदाबाद से रजिस्टर्ड कंपनी है, मानी जाती है ये। अभी हमें कंपनी के प्रोफाइल की बात करेंगे। तो बेसिकली कंपनी यहाँ पे एडिबल्स ऑयल्स हो गए एंड जो फूड्स के रिलेटेड जो ऑयल्स होते हैं ये कंपनी क्या बनाती है, साथ लाइक इसमें डील्स करती है बेसिकली कंपनी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो। एंड FMGC प्रोडक्ट्स कंपनी क्या है, ये भी क्या है, मीन्स इसके प्रोडक्ट्स अगर आपने देखे रहेंगे, जैसे कि एयरलाइफ हो गया, आपको यहाँ पे दिख रहेगा लड़की दिख रहेगी, सो इसका एडवर्टाइजमेंट भी आपने आई थिंक सो देखा रहेगा TV पे, एंड हैंड वॉश का भी मीन्स एडवर्टाइजमेंट आई थिंक सो देखा रहेगा, इसी ब्रांड से ही इसका एक बोलते ना प्रोडक्ट फेमस है ये वाला। एंड ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं अदानी विलमार के जो कि FMGC में अगर आप जाके चेकआउट करोगे इसके वेबसाइट पे बहुत से प्रोडक्ट्स के दिए हुए हैं। सो बेसिकली इसके जो रिक्वायरमेंट्स है इसके प्रोडक्ट्स की, इसके तेल की मीन्स ऑयल्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में एंड सब लोग यूज़ भी करते हैं। सो फिलहाल ये शेयर में इतनी गिरावट क्यों देखने को मिली, अब डाउट सबको ये आता है। सो डाउट तो आना ही चाहिए बिकॉज अदानी का शेयर है। सो पहले भी बहुत से शेयर्स के गिरे थे, अदानी के जितने भी शेयर्स लगातार गिरे थे, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न यही है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के प्राइस पे मीन्स चला गया था, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसके बाद से लगातार क्या गिरता ही जा रहा है। एंड बीच में जैसे कि आपको पता है कि 2-3 महीने पहले इसका जो एक रिपोर्ट जो इसका एक आया था कि लाइक ये जो अदानी जो ग्रुप की कंपनी है ये खुद के शेयर से लाइक परचेस करती थी उस टाइम पे, ऐसा लाइक एक न्यूज़ स्टेटमेंट निकल के आया था। सो बहुत बड़ा रीज़न था वहाँ पे। तो सो उसके जैसे जितने भी अदानी के शेयर लगातार गिरते ही जा रहे हैं, अभी भी ये जो शेयर है लगातार गिरते ही जा रहा है, बाकी के जो शेयर्स वो स्टेबल हो गए उसके अपने लेवल पे आ चुके, बट उनमें से एक शेयर ये है जो लगातार अभी तक नीचे ही गिरता रहा है। फिलहाल ये स्टेबल अभी स्टॉक नहीं है, लगातार नीचे ही साइड ही गिरता जा रहा है एंड बहुत से लोगों के इसमें पैसे भी अटके रहेंगे। अभी जो शेयर की बात करेंगे ना, इसके लास्ट क्वार्टर जो रिजल्ट्स भी नंबर भी निकल के वो ठीक ठाक ही है, ज़्यादा कुछ अच्छा आया नहीं निकल के। फिलहाल इस स्टॉक को मैं आपको होल्डिंग करने के लिए ही सजेस्ट करूँगी बिकॉज ऑलरेडी आप लॉस में हैं, तो हो सके तो उसको होल्डिंग कीजिए। आई नो लाइक थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, बट ये आपको स्टॉक के रिटर्न आपको दे सकता है, आने वाले लगभग पकड़ सकते हो 1-2 साल में को रिटर्न दे सकता है ये। अब हमें बात करें तो डेटा के बारे में, मार्केट कैप देखोगे कंपनी का कितना दिया हुआ है, 43,530 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप दिया हुआ है। वही कंपनी का स्टॉक भी देखो तो 263 का दिया हुआ है। अब यहाँ पे रिटर्न्स की बात करेंगे, कंपनी यहाँ पे ROICE कितना दे रही है 9.90% का, जो कि देखिए लगभग ठीक ठाक ही है, एंड रिटर्न ऑनइक्विटी बहुत ही कम है 2.01% का ही, लाइक इतना ही दिया हुआ है। इंडस्ट्री पी देखो 70.4 का दिया हुआ है। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे 3 मंथ्स की रिटर्न्स की, तो माइनस में है ऑब्वियसली, स्टॉक जो है बहुत गंदा परफॉर्मेंस इसने किया हुआ है, सो 3.33% लाइक माइनस में है। एंड यहाँ बात करेंगे करंट प्राइस की, सो 335 पे आपको शेयर मिल रहा, जैसे मैंने आपको बोला आई थिंक सो कुछ 200 के आसपास, बट ये जो शेयर 335 के आसपास ये जो शेयर है करंट प्राइस पे ट्रेड हो रहा है फिलहाल। तो बुक वाली देखोगे तो इसका 64 रुपीज़ का दिया हुआ है। एंड कंपनी का वर्किंग कैपिटल अगर आप देख लो कितना दिया, 4,786 का दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम प्लेस परसेंटेज की बात करेंगे, कंपनी के जो प्रमोटर्स उन्होंने अपना स्टेक क्या प्लेस पे नहीं दिया, जो कि वन ऑफ द लाइक एक पॉजिटिव पॉइंट आता है।
एंड यहाँ पे कंपनी का ईपीएस देखोगे ना, अर्निंग पर शेयर कितना, 1.14 रुपीज का इसका ईपीएस कंपनी दे रहा है, जो कि लगभग देखोगे तो बहुत ही कम है मेरे हिसाब से, बहुत ही कम, बिकॉज प्रीवियस जब इसका ईपीएस था बहुत ज़्यादा था, एंड अभी देखो अर्निंग पर शेयर के पीछे सिर्फ 1.14 रुपीज़ का रिटर्न दे रहा है, मीन्स इतना ही दे रहा है पर शेयर के पीछे। सो मीन्स अभी फिलहाल देखें थोड़ा बोलते ना कि बहुत ही लो लेवल पर भी फिलहाल स्टॉक चल रहा है, नॉट लाइक पैनी स्टॉक नहीं है, बट लाइक बोलेंगे बहुत ज़्यादा स्टॉक क्या गिर चुका है। ये जो शेयर है कुछ 800-900 के आसपास ट्रेड करने वाला, अभी 300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा नीचे स्टॉक गिरा है। कुछ लोगों के 900 पे किसी ने खरीदा रहेगा, किसी ने 800 पे खरीदा रहेगा, एंड अभी तो 335 पे चल रहा है, सो उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस भी दिख रहा है। सो मैं आपको क्या है, इसको होल्ड करने के लिए ही सजेशन करूँगी रदर देन आपको बेचने के लिए इसमें, ओके। एंड कंपनी का हाई देखोगे तो लास्ट क्लास 509 तक गया है, एंड लो देखोगे तो 286 का, एंड यहाँ पे कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर रही है फिलहाल। तो फेस वैल्यू देखोगे तो 1 रुपीज़ का फेस वैल्यू है, प्रमोटिंग होल्डिंग इसका अच्छा खासा दिया 87.9% का, ओके। टोटल एसेट देखो कितना कंपनी का दिया है, 19,807 करोड़ कंपनी का टोटल एसेट कंपनी का दिया हुआ है। डेटास देखो तो थोड़ा पॉजिटिव दिए हुए हैं यहाँ पे, बट कंपनी का जो रिटर्न्स ऑफ नंबर्स है काफ़ी ज़्यादा बोलेंगे बहुत ही कम दिया हुआ है, मीन्स लाइक माइनस में ही दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंपनी के नेक्स्ट कौन से पीए कंपनी के बारे में। सो पीए कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अदर भी कंपनीज दी हुई हैं जो कि सेम काइंड ऑफ लाइक सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। आई थिंक सो मैरिको शेयर बहुत से लोगों के पास होगा, भी काफ़ी अच्छा शेयर है, ये आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए, बिकॉज कंपनी जो है डिविडेंड भी अच्छा खासा प्रोवाइड कर रही है, एंड रिजल्ट भी इसके अच्छे खासे पॉजिटिव में आए हुए हैं। पतंजलि फूड ये जो शेयर है 1300 का है, बट रिटर्न्स इसके लगभग थोड़े बहुत ही ठीक ठाक है। अदानी विल्मा आपको सजेस्ट यही करूँगी, फिलहाल तो इसको स्टॉक को होल्डिंग करके रखिए, बट जो लोग नए लोग इसको खरीदना अगर चाहते हैं सो हो सके तो इसके शेयर मत खरीदिएगा, आपके पर है, बट हो सके तो किसी और शेयर में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिफोर 6 जून के पहले हो सके तो। जितने भी लाइक आपकी पॉसिबल के हिसाब से आप स्टॉक जो मैं सजेस्ट करूँ इसमें आप खरीद लीजिएगा, बिकॉज 6 जून के बाद स्टॉक अच्छा खासा रह गया भागने वाला है। बाकी गोकुल एग्रो का शेयर का मैंने फंडामेंटल लास्ट टाइम किया था, एंड अभी देखेंगे तो थोड़ा बहुत नीचे साइड चल रहा है, बट ये शेयर में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बीपीसीएल इंडस्ट्री ये भी लाइक वन ऑफ द बेस्ट शेयर है, इसका फंडामेंटल एक बार देख लीजिएगा आप, ये भी काफ़ी अच्छा शेयर है। एंड कृति न्यूट्रिएंट्स ये भी जो स्टॉक है मैंने एक बार लास्ट टाइम नोटिस किया था कुछ 70 के आसपास है, अभी तो 100 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो ये शेयर भी एक बार देखिएगा, इसमें भी पैसा आप डाल सकते हो। ये कुछ ऐसे स्टॉक है जो आपको मैं सजेस्ट करूँ कि आप इसमें पैसा अपना क्या है डाल सकते हो, लाइक इसमें अगर रिस्क नहीं है, लो रिस्क है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कंपनी के नेक्स्ट, जस्ट अ सेकंड गाइस, या नेक्स्ट हमें बात करेंगे कंपनी क्वार्टर रिजल्ट की, जैसे कि मैंने आपको बोला रिजल्ट इसके अच्छे खासे इतने आए नहीं जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सेल्स नंबर देखोगे दिसंबर में कंपनी ने सेल्स किया था 12,828 करोड़ का, जो कि अभी कितने का किया है 13,238 करोड़ का, लाइक इसके एक्सपेंसेस लाइक इसका सेल्स अच्छा खासा कंपनी का हुआ, बट यहाँ पे क्या प्रॉफिट अभी क्या है, प्रॉफिट बहुत कम आया है। प्रीवियस में 201 करोड़ का प्रॉफिट किया, अभी देखो तो 157 करोड़ का। अब यहाँ पे एक और चीज़ बात आती है कंपनी के प्रोडक्ट्स की, तो कभी कभी ऐसा भी होता है अभी देखोगे तो तेल के जो दाम है मीन्स ऑयल्स के जो डिमांड है अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा है, एंड मोस्टली अगर आप देखोगे तो जो ऑयल्स के जो रेट हैं काफ़ी हद तक हाई पे चले गए थे, उसके बाद से गवर्नमेंट ने लाइक बीच में भी ये भी बोला कि उसके जो प्राइस है रिड्यूस भी किए गए थे थोड़े बहुत कि कम हो जाए, ओके। उसके बाद से क्या हुआ कंपनी का प्रोडक्शन जो सेल से हुआ, बट जो जब पैसा किसी प्रोडक्ट का गिरता है ना तो उसका प्रॉफिट जो नंबर वो कम हो जाता है। कंपनी सेल्स करती है अपने प्रोडक्ट्स बेचती है अच्छा खासा, सेल्स अच्छा खासा होता है, एक्सपेंसेस भी कंपनी करती है अपने कंपनी के ऊपर प्रोडक्ट्स के ऊपर, बट रिटर्न्स नहीं आता। अब रिटर्न्स किस पे होता है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स के रेट कितने, रेट ही गिर जाएंगे तो प्रॉफिट का कंपनी कमाएगी। सो सेम एज इट इज़ इसमें यही हुआ है, इस वजह से शेयर क्या काफ़ी तक नीचे लेवल पे ट्रेड हो रहा है। अभी सरकार नहीं आएगी तो जो नया न्यूज़ आएगा उस पे ही रहेगा कि कैसा क्या भी स्टॉक परफॉर्म करेगा। बिफोर अभी आपको यही बोलूँगी स्टॉक का आप होल्डिंग करके रखिए, एंड कंपनी के अगर आप एक्सपेंसेस भी देखोगे तो एक्सपेंसेस कंपनी कितने हुए हैं, यहाँ पे कंपनी ने एक्सपेंस किया 12,324 करोड़ का, जो कि प्रीवियस मीन्स अभी प्रीवियस क्वार्टर में इतना किया था, बीए क्वार्टर में कंपनी ने कितना एक्सपेंस किया 12,881 करोड़ का, मीन्स क्या है यहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर से देखोगे तो कंपनी ने एक्सपेंस किया है यहाँ पे क्या अच्छा खासा बढ़ाया हुआ है। एक्चुअली मार्च का है, अगर हम मार्च के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे ना कंपनी ने एक्सपेंसेस सेल्स सब अच्छा किया हुआ है एक्चुअली, बट यहाँ पे प्रॉफिट्स ऑफ नंबर यहाँ पे हमको अच्छे खासे नहीं देखने को मिल रहा है फिलहाल अगर यहाँ पे देखोगे तो।
एंड वन मोर थिंग, आपको यहाँ पे देखना चाहिए कंपनी का ओपीएम, ओपीएम भी गिर गया है 1%, कंपनी का ओपीएम गिरा है, पहले था 4%, अभी 3% हो गया। ओके अब यहाँ पे हम ईयरली वाइज परफॉर्मेंस इसके देख लेते हैं। कंपनी के सेल्स अगर आप देखोगे तो कंपनी ने सेल्स यहाँ पे कितना किया है 2023 में 58,185 करोड़ का, एंड इसमें क्या 51,262 करोड़ का। मीन्स कंपनी के एक्सपेंसेस यहाँ पे क्या है, सॉरी कंपनी के जो सेल्स जो रेवेन्यूज हैं वो हमको यहाँ पे क्या है कम होते हमको देखने को मिले, लगभग पकड़ लोगे आप 7 करोड़ का अराउंड जो है यहाँ पे क्या है 7 करोड़ का कंपनी का सेल्स यहाँ पे क्या है कम हुआ है। एक्सपेंसेस यहाँ पे देखोगे तो 23 में कंपनी ने एक्सपेंस किया था 56,521 करोड़ का, जो कि 24 में कंपनी ने एक्सपेंस किया 15,126 करोड़ का। मीन्स क्या कंपनी के यहाँ पे लगभग देखोगे तो 6 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंसेस भी यहाँ पे कम हुआ है। अब बात करेंगे कंपनी के नेट प्रॉफिट की, 23 में कंपनी ने प्रॉफिट किया था 582 करोड़ का, अभी देखो 148। मीन्स अभी अगर आप देखोगे मार्च 2021 का अगर आप देखोगे उस टाइम से कंपनी के जो नवंबर्स ऑफ प्रॉफिट है काफ़ी चे बढ़े, बट अभी जो रिजल्ट निकल के काफ़ी बोलते हैं ना इतना लाइक नेगेटिव में रिजल्ट इसका नहीं निकला है, पॉजिटिव में ही रिजल्ट है, बट कंपेयर करेंगे प्रीवियस प्रॉफिट से तो बहुत ही कम आया हुआ है। फिलहाल अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट बहुत कम है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो, रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा है 3 साल, प्रॉफिट उसी तरीके से क्या डिक्रीज़ हुआ है। 24 में क्या हुआ इसके कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू भी गिरा, प्रॉफिट भी बहुत ही कम है इसमें। अब शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की बात कर लेते हैं यहाँ पे, सो प्रमोटिंग होल्डिंग अच्छा खासा दिया 87.88% का, एफ आई एस 0.77% का, डी आई शेयर होल्डिंग कंपनी का दिया हुआ 0.99% का, एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग कंपनी का दिया 11.08% का कंपनी का दिया हुआ है। फिलहाल शेयर होल्डिंग कंपनी के एवरेज में यहाँ पे क्या दिए हुए हैं। अब बात करेंगे कंपनी के शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न की, टारगेट्स की, अदानी विर्मर का यहाँ पे परफॉर्मेंस देखोगे तो थर्सडे के दिन 0.15 रुपीज अप था, मीन्स क्या है 0.04% ही अप था। स्टॉक की यहाँ पे अगर आप इसको डे चार्ट पे अगर आप इसको यहाँ पे देखते हो, सो डे चार्ट पे अगर आप देखो काफ़ी चल एक बोलते हैं ट्रेंड जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। अब शेयर क्या करता है, हाई बनाता नीचे गिरता, हाई बनाता नीचे गिरता, अभी यहाँ पे ये खाली इतना पैटर्न देखो, हाई बनाया नीचे गिरा, फिर क्या प्रीवियस का जो इसका हाफ हाई बनाया वापस नीचे गिरा, अब क्या हुआ इसने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, इसके नीचे ही हाई बनाया। अब ये स्टॉक क्या कर रहा है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट जहाँ तक रहेगा इतने तक ही जाएगा, कितना 352.55 जो मैंने दिया ना टारगेट ये वाला यहाँ तक ही जाएगा। सो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको शेयर्स का बाइंग करना रहेगा फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी खासी क्वान्टिटी में अगर आप बाइंग करोगे तो वहाँ 343.55 का टारगेट रखिए, सॉरी एंट्री लेवल रखिए, टारगेट रखिए 352.55 का, एंड सपोर्ट आपको 328.20 का आपको सपोर्ट आपको लेके चलना, ये आपके लेवल से फॉर दी वन वीक के लिए उसका लेवल से आप पकड़ के चल सकते हैं। फिलहाल ये जो स्टॉक है इसी जोन में ही मीन्स भागता रहेगा, सो आप मूवमेंट का वेट कीजिए, ज़रूर इसमें मूवमेंट एक आएगा। सो आई थिंक आपके जो डाउट क्लियर हो गए हैं, सो गाइस लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।